नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मेथी फूल मटरी। वीडियो देख के, फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे बनेगी, कि ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर बहुत आसानी से बन जाएगी। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने ली है 2 कप सूजी। सूजी मैंने बारीक वाली ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन 1 छोटा चम्मच और नमक है 1 छोटा चम्मच और कसूरी मेथी 2 छोटे चम्मच डाले हैं मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। 1/3 कप ऑयल डालेंगे इसमें। ये रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, हमारे यहाँ राइस ब्रैन यूज़ किया जाता है, सब पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। अब ऑयल को अच्छी तरह से मिला लिया और नॉर्मल पानी से हम सूजी को बाइंड करेंगे, अभी गूंदेंगे नहीं, केवल बाइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, पानी ठंडा हो तो थोड़ा गर्म कर लेना। मेरे तो आरओ में अभी गर्म ही पानी आ रहा था तो मैंने वही लिया है, क्योंकि ऊपर टंकियों का पानी अभी काफ़ी गर्म है, तो अगर ठंडा हो पानी तो आप थोड़ा सा उसे गर्म कर लेना। अब बस सूजी में हमने पानी मिला दिया और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको रख देंगे। तो टोटल 1 कप जो पानी है, 2 कप सूजी गूंदने में हमारा लग गया था। अब ढक करके हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी ने सारा पानी है वो सोख लिया है। अब हम इसको मसल मसल के गूंदेंगे और थोड़ा पानी हमें इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि सूजी है वो काफ़ी टाइट हो गई है। तो टोटल जो पानी है वो 1 कप लगा है हमारा, 250 ml, जो मेरा मेजरिंग कप है वो 250 ml का है। स्टैंडर्ड साइज़ जो आता है वो 250 ml का ही आता है। अब सूजी को मैंने काफ़ी गूंदा है और बिल्कुल सूजी चिकनी हो गई है, तो थोड़ा सा सूजी आप अच्छी तरह से गूंद लेना, बिल्कुल चिकनी हो जानी चाहिए। अब हम इसको बड़ा सा बेल लेंगे। बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ, डस्ट कर रही हूँ, मतलब मैदे की, और कुकी कटर से हम इसको काट लेंगे। आपके पास कोई भी कैप हो या बॉटल की कोई भी कैप हो तो उससे आप काट सकते हैं। जो मीडियम साइज़ का कुकी कटर है मेरे पास, उससे ही मैंने काटा है। जब आप बेलेंगे तब भी आप इसको मैदा लगाकर ही बेलना, तभी जो इसकी लेयर है वो एक एक अलग अलग खुलेगी, और ऊपर भी मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल सेंटर में पानी लगाया है और जिस साइड से मैदा हमने लगाई थी, दोनों साइड से मैदा लगानी है, तो उधर की साइड से मैं रखती जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में पानी लगाया और जिधर हमने ऊपर से मैदा लगाई थी, इसके ऊपर अभी डस्ट की थी, उधर से मैंने इसको पलट के रख दिया। अब जहाँ हमने पानी लगाया है वहाँ बीच में रखकर हम इसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए बीच में से प्रेस हो जाएगा, बस इतना प्रेस करना कि बस कट ना जाए और एक एक लेयर है ये हमारी खुल जाएगी। तो ऐसे ही हम सारी जो शेप है अपनी वो बनाकर रख लेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, हल्का गर्म है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अब जिस कढ़ाई में मैं फ्राई कर रही हूँ ये स्टील की है, अगर आप लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी है। अगर बड़ा वाला बर्नर है तो आप लो ही रखना, मैं तो छोटे वाले बर्नर पर फ्राई कर रही हूँ तो मेरा मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है। तो जितना धीरे धीरे ये पकेंगी उतनी ही ज़्यादा ये खस्ता होंगी और करारी होंगी। अगर तेज आंच पे आपने कर लिया तो ना तो कलर अच्छा आएगा, ना ही ये पूरी तरह से अच्छी तरह पक पाएंगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में। ये देखिए एक एक लेयर आप ऐसे खुल जाएगी और देखने में भी, किसी के आगे रखोगे तो वो भी पूछेगा कि भाई ये कैसे बनाई है, एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि आपने ये शेप कैसे बनाई है। ये देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, तो सूजी की खस्ता मेथी मटरी हमारी बनकर तैयार है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक दीजिएगा।